जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच दूसरे T20 मुकाबले का वार्म अप मैच अब शुरू हो चुका है बारसपारा स्टेडियम पर। और इस दौरान रोहित शर्मा ने जहां शतक जड़ डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत, विराट कोहली और इनके साथ में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी खूब रन मैदान पर बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार क्या चल रही है मुकाबले की लाइव अपडेट, किसने बना दिए कितने रन, क्या चल रहा है मैच का स्कोर, वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा T20 मैच जीते, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीम में से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरी कोशिश बीच मैदान पर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि टीम इंडिया को जीतने के लिए इस मुकाबले को कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी और साथ में अगर ये सीरीज भी अपने नाम करनी है तो ये मुकाबला काफी ज्यादा जरूरी है। बारसपारा स्टेडियम पर आज तक हमारी भारतीय टीम ने कोई भी मुकाबला जीता नहीं है और ऐसे में दोस्तों भारत को जीत ना मिलने की वजह बस एक ही रही है, जो भारत की गेंदबाजी इस पिच पर रही है वो काफी कमजोर है। तो वहीं दोस्तों इसी बीच हम आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच आप सभी दूसरा T20 मुकाबला लाइव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर देख सकते हो। और अगर आपको इस मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आप सभी हॉटस्टार ऐप का उपयोग कर सकते हो। तो वहीं अगर हम आपको बताएं आज के मुकाबले के बारे में, तो दोस्तों जो दूसरा T20 मुकाबला है वो तो आप सभी को कल यानी कि 2 अक्टूबर को खेला जाता हुआ शाम को नजर आएगा, लेकिन उससे ठीक पहले आज मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच अभ्यास मैच शुरू हो चुका है। और दोस्तों इस अभ्यास मैच में भारत की टीम के बल्लेबाजों का जबरदस्त प्रदर्शन हम सभी को देखने के लिए मिला है। दरअसल दोस्तों आप सभी को याद ही होगा कि कल खेले गए अभ्यास मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने काफी अच्छी पारी खेली थी और ऐसे में आज जब विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी पारी को आगे कंटिन्यू करने के लिए उतरे, तो इन दोनों बल्लेबाजों ने आज के इस मुकाबले में अपने अपने शतकों को पूरा किया, जहां रोहित शर्मा ने 103 रनों की पारी खेली और विराट कोहली 123 रन बनाकर चलते बने। हालांकि दोस्तों इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली की पारी के बाद अब सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर हर किसी को हैरान कर रख दिया है। दरअसल दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने अब तक खबर बोले जाने तक 70 रन बना लिए हैं लगभग 1 से 1.5 घंटे के अभ्यास मैच में। तो वहीं उनका साथ निभा रहे ऋषभ पंत ने भी काफी अच्छी पारी खेली और उनका भी स्कोर लगभग 52 रन हो चुका है और वो भी ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि आप सब यहाँ पर लाइव स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच इस 2 दिन के अभ्यास मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी में सुधार किया है, क्योंकि पिछले मुकाबले में हम सभी ने देखा गेंदबाजी तो भारत की अच्छी थी लेकिन बल्लेबाजी में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। और ऐसे में अब साउथ अफ्रीका की टीम की गेंदों को जमकर जवाब हमारी टीम के खिलाड़ी देने के लिए तैयार है। और वहीं दोस्तों अगर इसी बीच हम बात करें दूसरे T20 मुकाबले के प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के बाद अब मोहम्मद सिराज को मौका टीम इंडिया में दिया गया है। और ऐसे में अब जो आप सभी को प्लेइंग 11 टीम खेलती हुई नजर आएगी उसमें काफी बड़े बड़े बदलाव होंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा ही पारी की शुरुआत करेंगे, तो वहीं मध्यम क्रम में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक खेलेंगे। और गेंदबाजी में अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और उनके साथ में दीपक चाहर को मौका मिलेगा। तो वहीं बात करें अगर साउथ अफ्रीका की टीम की, तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से कप्तानी टेम्बा बबूमा करेंगे। वहीं टीम का हिस्सा होंगे एनरिक नॉर्किया, कगिसो रवाड़ा, ड्वेन प्रेटोरियस, क्वेंटिन डिकॉक, डेविड मिलर, रेजा हेंड्रिक्स, क्रिस्टन स्टब्स, केशव महाराज, वेन पार्नेल और मार्को एंसन जैसे खिलाड़ी खेलेंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये होगी टीम। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच दूसरे T20 मुकाबले के बारे में और आपके अनुसार कौन सी टीम दूसरा T20 मैच जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।